हेलो डियर स्टूडेंट, काफी लंबा समय हो गया था तो अभी जो हमारी दूसरी फैकल्टी है मैथ्स का क्लासेस चल रहे हैं 12th के, और अभी हम जो ये 10th का जो मैथ्स है उसको हम कवर कर रहे करेंगे। और आपको ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये शिवम बच्चा है और उसने बोला कि सर ये आप मुझे थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है, तो हमने सोचा कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव जो टेस्ट होते हैं या एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स या अलग के लिए, वहां भी ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं सोचा इसे आपको एक्सप्लेन करूं। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, पहले आपको पढ़ लेना है तो हम पढ़ के समझा देता हूं कि अ मोटर बोट, ये लिखा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, शांत वाटर है। क्या वाटर है? शांत स्टिल वाटर। ठीक है, ये क्या, इसको आपको ध्यान देना है। स्टिल वाटर में एक मोटर बोट है, स्टिल वाटर में टेक्स वन आर मोर टू गो, टेक्स वन आर, देखिए वन आर आपको ये ध्यान देना, मोर टू गो। ठीक है, एक घंटा ज्यादा लेती है। ठीक है, शांत वाटर में एक घंटा ज्यादा लेती है जिस मोटर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं ना, आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छी तरह। ठीक है, तो देखिए, टू गो 24 किलोमीटर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, यहां अपस्ट्रीम, यहां आपको ये भी समझना, अपस्ट्रीम भी मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, अपस्ट्रीम और देन रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। ठीक है, रिटर्न डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, टू द सेम स्पॉट। ठीक है, अगर एक मोटर बोट है, यहां से चलती है, यहां जाती है पॉइंट ए से बी तक। ठीक है, तो अब बी से ये मोटर बोट है। ठीक है, ये आपको जानते ही हैं, मोटर बोट अगर आप बना सकते हैं तो ये ऐसे करके मोटर बोट बना सकते हैं, ये पॉइंट यहां से जाकर यहां आती है, अब फिर ये रिटर्न यहां चली जाती है, यहां से यहां जाती है ए से बी, बी टू ए। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम भी आपको समझाऊंगा, स्ट्रीम का स्पीड फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, अगर आपको कोई डाउट है अगर आप उसको पूछेंगे तो आपका सोल्यूशन भी मिलेगा, उसमें जिसने पूछा उसका नाम भी यहां दिया जाएगा कि किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखिए, तो पहले आपको ये बता देता हूं, इन स्टील वाटर, शांत वाटर की बात कर रहा है। ठीक है, वन आर मोर अभी आपको समझाऊंगा। अगर हम इसमें देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम पहले थोड़ा बेसिक का आपको चीजें समझा देता हूं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप स्ट्रीम, तो आप अप स्ट्रीम का मतलब समझिए। अप स्ट्रीम में क्या है, अगर ये नाव है, ये नाव है। ठीक है, अप स्ट्रीम में तो अगर यहां ये वाटर है, ठीक है, अप स्ट्रीम में नाव अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, फॉरवर्ड ये चल रही है, अगर वाटर का स्पीड जो है, स्ट्रीम, स्ट्रीम की बात हो रही है, स्ट्रीम मतलब धारा प्रवाह। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए, अब स्ट्रीम पहले तो आपको, ठीक है, अब यहां स्ट्रीम भी थोड़ा आपको समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाए। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है ये वाटर का जो फ्लो होता है ना, इसी को स्ट्रीम कहते हैं। किसी भी दिशा में हो सकती है, वाटर यहां भी जा सकता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, या ईस्ट टू वेस्ट भी जा सकता है, मतलब किसी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जा सकता है। ठीक है, स्ट्रीम जो है ये स्ट्रीम है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में अगर ये नाव है, अगर ये नाव आगे की तरफ जा रही है, ये अपोज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, स्ट्रीम। ठीक है, ये दोनों अपोज करता है तो इसका क्या होता है, स्पीड जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, कभी भी आप देखिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता देता हूं, अगर हवा आगे से तेज जा रही है, अगर आप साइकिल या मोटर बाइक से या बाइक से आप जा रहे हैं तो देखिए काफी, मतलब या पैदल चल रहे हैं तो आपको क्या है, कैसा फील होता है, आप पीछे धक्का, मतलब एक फोर्स लगता है। ठीक है, साइंस का कॉन्सेप्ट आपने क्या किया, वहां एक फोर्स लगता है तो आपकी स्पीड को क्या करता है, वो स्लो करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं अपस्ट्रीम एंड स्ट्रीम, आप यहां देखिए डाउन स्ट्रीम भी समझा देता हूं, डाउन स्ट्रीम,
डाउनस्ट्रीम में क्या है, इसमें आपका जो वाटर जिस फ्लो में जिस साइड में चल रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर चल रहा है डियर स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में बोट भी चलेगा, उसी डायरेक्शन में बोट भी चलेगा जी, ठीक है, जो बोट है, ये जो बोट है ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। इसमें क्या होता है, ये मैं आप यही बता देता हूं, यहां इसमें हमेशा प्लस होता है, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जैसे हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में अगर आप साइकिल या चला रहे हैं तो देखिए तेज हो जाते हैं आप, ठीक है। अब देखिए अपस्ट्रीम में क्या होता है, नहीं हो पाते हैं आप, यहाँ क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। आई होप आपको अपस्ट्रीम स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है डियर स्टूडेंट कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी अच्छी तरह, वैसे तो मैं पूरा डिटेल आपको बता दिया है, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको मैंने कंफर्म कर दिया। हो सकता है लंबा वीडियो हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो पता ना चले, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर हम मान लेते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की बात कर रहा है, लेट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर इसमें x मान लेते हैं, ठीक है, अगर स्पीड का, अगर स्ट्रीम का, ये जो नाव का स्ट्रीम है, चूंकि यही पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम, मैंने क्या बोला था, माइनस होता है इसमें, अपस्ट्रीम में अपोज करता है, एक साइड से नाव जाती है, दूसरी साइड से वाटर आता है, ठीक है, नाव एंड वाटर दोनों अपोज करेगा, ठीक है, नाव आगे बढ़ती जाएगी, पानी का धारा तो चलता रहेगा जो फ्लो है, ठीक है, एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, ठीक है, स्पीड है किलोमीटर पर आर, इसमें दिया है किलोमीटर पर आर। अब देखिए डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 प्लस एक्स, ठीक है, किलोमीटर पर आर, ठीक है, ये आप नोटबुक में लिखते जाइएगा, क्योंकि मिटाना भी रब भी करना पड़ सकता है मुझे, ठीक है, आगे अगर और फैक्ट्स इसमें आएंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोटबुक में लिखते जाइएगा कॉन्सेप्ट को। अब देखिए ये हो गया, अब आपको मैं साइंस का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यहां क्या क्या दिया है, देखिए स्पीड दे रखा है और तो यहां, और देखिए यहां ये भी दे रखा है 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां आपको डिस्टेंस भी मैं बता देता हूं, डिस्टेंस अब क्वेश्चन में दे रखा है डियर स्टूडेंट 24 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है 24 किलोमीटर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहां, ठीक है, इसके बाद ये यहां आएगा, ठीक है। अब स्पीड अगर कॉन्सेप्ट देखिए, स्पीड अगर देखिए, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, टाइम बस डिफरेंस दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट, टाइम का डिफरेंस दिया, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउनस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब जाते समय अपस्ट्रीम के साइड 1 hour अधिक लगा, किससे, डाउनस्ट्रीम से, और लगेगा स्वाभाविक सी बात है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लॉजिक लगाइएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फिर भी डाउट है तो पूछिएगा मुझसे। स्पीड एंड, अब देखिए अगर हम टाइम निकालना हो तो टाइम का कॉन्सेप्ट यहां तक लिख लिया आपने, नोट में लिख लीजिएगा नोटबुक में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये हम रफ करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, अब हम आ जाएंगे, ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, तो टोटल ये भी समझ लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये हम सारा मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, तो अब डेटा मत भूलिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 hour डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो 24
किलोमीटर अगर हम देखें अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम अपस्ट्रीम द्वारा टाइम कितना लिया हो जाएगा, एक्स माइनस सॉरी 18 माइनस एक्स, ठीक है, और देखिए माइनस ये डाउन स्ट्रीम जो है, ठीक है, ये अधिक लिया है टाइम, ठीक है, तो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है यहां, या ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, और स्टेटमेंट अगर लिख भी सकते हैं इससे ऊपर, ठीक है, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम या एंड टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम, और दोनों का डिफरेंस हमने यहां समझा दिया है, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे देखिए डिस्टेंस मतलब स्पेस कम है, इसलिए अब देखिए नीचे यहाँ देखते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 18 और 18 प्लस एक्स, ठीक है, तो आप यहाँ वन कर दीजिए, तो यहाँ 18 देखिए, यहाँ अगर 18 माइनस एक्स कट जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ठीक है, तो 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 24 क्या बचेगा, 18 प्लस एक्स बचेगा, माइनस अगर यहाँ देखिए 18 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 24 18 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, आई होप, यहाँ आप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी लगा देंगे इम्प्लाई, ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ वन है तो वन रहने देंगे, अब यहाँ देखिए ऊपर देखिए 24 अगर हम कॉमन लेंगे, 24 देखिए इसमें भी 24 है, यहाँ भी 24 है, 24 कॉमन ले लीजिए दोनों में, अगर है इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, 18 प्लस एक्स यहाँ देखिए माइनस 24 तो कॉमन हो गया है, 24 देखिए कॉमन हो गया, बचा क्या 18 माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक अच्छी तरह, अभी थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन आएगा, अब देखिए यहाँ 18 प्लस वाला कट गया तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 24 इंटू 2x, ठीक है, और देखिए 18 का 324 होता है 18 का स्क्वायर, आपको सारे स्क्वायर पता होना चाहिए, 18 का स्क्वायर 19 का 361, 17 का स्क्वायर सारे का 16 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर सारा याद होना चाहिए, 25 तक का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो आप देखो यहाँ अब इसको अगर इस साइड ले आकर आते हो तो ये प्लस में एक्स हो जाएगा, ये माइनस में तो अभी माइनस में आ जाएगा, यहाँ 24 इंटू जाएगा प्लस 48 एक्स होगा और माइनस 324 इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर आप स्प्लिट करते हैं तो देखिए 24 को अगर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, 24 को अगर फैक्टराइज करेंगे इन्हें दो फैक्टर में, देखिए फैक्टराइज अगर नहीं आता है अगर आप पूछेंगे तो मैं इससे भी बताऊंगा, लेकिन इसको अगर दो पार्टों में अगर हम तोड़े, ठीक है, 54 अगर इंटू 6 करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 54 में से 6 जाएगा कितना आएगा 48, ठीक है, आप इसको अगर करेंगे दो पार्ट में, हमें ऐसा करना होता है इसके फैक्टराइज करना होता है, पहले तो इसको हमें यहाँ इसे मल्टीप्लाई होते हैं, 1 है तो 1 कोई वैल्यू मतलब नहीं है, ठीक है, 1 सबके साथ होता है, इसको दो पार्ट में अगर तोड़े 54 इंटू 6, देखो 54 मल्टीप्लाई करेंगे 324 हो जाएगा, माइनस करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके, तो अब चलिए एक्स स्क्वायर, अब देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 54 माइनस 6 एक्स, ठीक है, अब बचा क्या 324 इज इक्वल टू 0, ओके, अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसे रख कर दे रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ओके, आप देखते हैं, तो अब देखो एक्स स्क्वायर ध्यान से देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324, ठीक है, अब यहां देख सकते हो, तो अब देखो x कॉमन, अगर इन दोनों में x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 54, ठीक है, x यहां कॉमन हो गया, यहां x था, माइनस 6 अगर कॉमन ले यहां क्या बचेगा, यहां भी दोनों में
एक्स प्लस 54, ये नाइन्थ क्लास में कोई भी डाउट होगा फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इन दोनों देखो माइनस माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, सिक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये 54 बचेगा, ठीक है। एंड जीरो हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, एक्स प्लस 54 एंड एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब देखो अगेन एक एक बार ले लो, इफ एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू माइनस 54, तो कभी भी स्ट्रीम जो है, स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो दूसरा भी चेक कर लो, इफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर, ये क्या हो गया आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो गया। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छी तरह मतलब उसे अगर वहां रिप्लाई अगर छोटे में हो सकता है रिप्लाई किया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा अगर कोई भी, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।